प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं कि उसने समय दिया कि आज फिर से एक बार हम प्रभु के वचन का अध्ययन कर सकें। आज 14 जुलाई का दिन है 2020, और इन दिनों में शाम के समय जो बाइबल स्टडी हमारी होती है, बाइबल अध्ययन जो होता है, उसके इस कड़ी में हम आगे आज बढ़ना चाहते हैं। और हमारा विषय है गलतियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 8 पद से। गलतियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 8 पद से हम देखेंगे उसके 19 पद तक। टुडे विल स्टडी द बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स 8 टू वर्स 19। एंड आई हैव सेवरल थिंग टू शेयर विथ यू अबाउट The teaching Paul is given to us. Dear friends, as I have said, these 4 letters are of doctrines. Doctrine pertaining to our faith and belief. Doctrine towards the faith of our forefathers. Doctrine which survives us in the body of Christ. And when we study these words, let us be very, very categorically sympathetic towards some of the thing that Paul has written, because he is writing from the background which was persisting during those days in his time in first century, and therefore certain things are here in this book, this letters of St. Paul. We need to be also understanding, try to comprehend the thing that are written here, but ultimately these all are the revelation of Jesus Christ. And therefore, this gives us an understanding of our correct faith, so that our faith is not shaken, so that our faith becomes stronger in the Lord Jesus Christ. And we know that God exists and rewards those who seek Him. आइए हम प्रार्थना करें आज की आराधना के लिए, आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए, जिसमें हम कलीसिया के उन सिद्धांतों को, प्रभु के वचन के उन सिद्धांतों को देख रहे हैं जो हमारे विश्वास के लिए बहुत जरूरी है कि हम इनको जानें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम बहुत ही सावधानी के साथ इनका अध्ययन करें, और अगर आपके पास नोटबुक्स हैं तो मेहरबानी से आप नोट करते जाइए, क्योंकि ये हमारे विश्वास के फॉर्मेशन की बातें हैं। ये जो 4 पत्रियाँ हैं और कुरिन्थ की पहले दूसरी पत्रियाँ जो हैं संत पौलुस के द्वारा, ये 6 पत्रियाँ इतनी महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण पत्री है रोमियो की पत्री। इन 7 पत्रियों को आप पढ़ें, उन पत्रियों का को आत्मसात कर आप देखेंगे कि आपका विश्वास जो प्रभु के अंदर मजबूत हो जाएगा, और जो गलत शिक्षाएं अगर उनका सामना आपको करना पड़े तो आप बहुत ही समझदारी के साथ उनका सामना कर सकते हैं, प्रभु के वचन में आप मजबूत रह सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें इसके पहले कि आज के अध्ययन को हम करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जिसके खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है, और वे धन्य प्रभु जिस वचन के आधार पर अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं, कि वचन प्रभु ना केवल हमारे विश्वास को मजबूत करता है प्रभु, पर हमारे जीवन को प्रभु आपके मार्ग में बनाए रखता है। लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दिस टाइम दैट यू हैव गिवन टू अस एज वी स्टडी दिस बुक्स और दिस लेटर्स ऑफ सेंट पॉल, वेयर ही टॉक्स अबाउट द डीपर मीनिंग्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज चर्च, the Church of Jesus Christ. Help us to understand, Lord, some of the very important and some of the very crucial points of our faith, so that we may continue to grow in you day by day. We know, Lord, that these are all your revelation. You revealed these secrets to your servant St. Paul as he spent his 3 years in the desert of Arabia, and then also came back and went for in his missionary journey with several of his friends in 3 occasions, and establish your churches, Lord, in various places, in Asia Minor, in Europe. And Lord, we know that these churches even gives us in the form of this book and letters which are found in the Bible, Lord, about the important and very, very crucial matters and doctrines of our faith. Help us, Lord, to study these things in a very
understanding manner, so that anything that we read here may come into our mind and our heart, and Lord, we may continue to grow in you. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे आज उन तमाम श्रोताओं के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए, प्रभु जी जो एपोस्टल मैसेज चर्च के सदस्य हैं, ये प्रभु सहायता मदद करें आज के आराधना पर, आज के स्टडी पर, आराधना पर और बाइबल अध्ययन पर आपके आशीष हो। आप मेरी सहायता करें, हर एक सुनने वालों की सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। डियर फ्रेंड, यस्टरडे वी सॉ सर्टेन थिंग्स एंड आई spoke to you about seven important things which are found in Galatians chapter 1 and 2, and today we'll see the further more things which are very important for Christian life. Mitro, kal humne saat baaton par gaur kara tha apne Bible adhyayan mein, aur aaj bhi hum aage dekhna chahenge. Saath hi saath main dhanyawad dena chahta hu sab logon ka, kareeb 50-55 logon ne kal raat ke Daniel ke pustak ke adhyayan mein bhag liya. Main unko dekhta rehta hu और मैं जानता हूं कि आपका जो रिस्पांस है वो ओवरवेलमिंग है। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि इन दिनों में जबकि लॉकडाउन के दिन है, अन्यत्र जहां भी बाइबल अध्ययन आपको दिखता है उसमें उसको फॉलो करें, उसमें भाग लें। बाइबल का अध्ययन, उसको हम इज्जत दें क्योंकि वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और मैं एक ऐसा पासबान हूँ जो कभी भी आपको नहीं रोकूंगा कि आप बाइबल अध्ययन को फॉलो करें, आप उसको सुने, अध्ययन करें, क्योंकि सारे अध्ययन जो है प्रभु के लोगों के द्वारा किया जाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उनमें से उन बातों को लें, ग्रहण करें जो वचन के अनुसार है। और बहुत सी शिक्षाएं ऐसी भी दी जा रही हैं जहां पर एक तरफा सच्चाइयां हैं और हम उन्हें भी सुनते हैं। वचन का अध्ययन का मतलब है कि हम सुने उन सब बातों को और वचन में अध्ययन करें, जैसे बिरिया के विश्वासियों ने करा जब उनको शिक्षा दी गई संत पौलुस के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा। तो लिखा कि वो अपने घरों में गए और उसको निकाल कर पढ़ने लगे वचन को, कि ये सारी बातें जो हमें सिखाई जा रही हैं यूं ही है या नहीं है। और ये एक मसीह जीवन में परिपक्वता की निशानी है, क्योंकि हम हर बात के लिए अपने आप एक्सपोज करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन अंततः हम उन बातों को लेकर चलना चाहते हैं जो वचन के अनुरूप है, वचन के अनुसार चलती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि हर एक बाइबल स्टडी जो यहाँ हो रही है आजकल, चाहे अध्ययन के रूप में हो, चाहे आराधना के रूप में हो, या किसी बाइबल के किसी पुस्तक के रूप में, उसको जरूर सुने, उसको सुने, समय आप दें और आप देखेंगे कि आपका विश्वास मजबूत होगा और प्रभु में आप बढ़ते चले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टडी दिस वर्ड, एंड टुडे बाय लिंक, बाय जूम एंड बाय फेसबुक और इन द व्हाट्सएप, देर आर मेनी थिंग्स आर कमिंग, देर आर स्पीकर्स नेशनल्स एंड फॉरेनर इंटरनेशनल, दे आर गिविंग लॉट ऑफ बाइबल स्टडी, दे कंडक्ट बाइबल स्टडी। आई एनकरेज यू, if you have time, go to and study, open those things and listen to them. There's not harm in that, because if you are strong in your faith, you remain strong and you'll continue to grow in the Lord. And not only you, but invite your friend to listen to this word, because these are very important, as the days are very hard and crucial days. If your faith is not strong, you can leave this faith, because so much of crisis are taking place today. Sometimes we are made to think whether God exists or not because these things are happening. This coronavirus pandemic is happening today. The pandemic, or it is called in Hindi Mahasankraman or COVID-19. How much of chaos has already been done in this world? Lakhs of people have already passed away, died. We may not know all the statistics that are taking place beside USA and in Brazil or in India. There are many other countries where people are dying. Exact figure is not even given to me and given to you, because we don't know everything. But we know one thing, that in spite of all this crisis, in spite of all this pandemical crucial time, our God is there to take care of us. His word says, I will not leave you. And that happens when I and you are strong in the word of God. And one thing we know,
that our God exists and reward those who seek Him sincerely. And that is found in Hebrews chapter 11 and verse 6. 11:6, God exists and reward those who seek Him. So with that spirit, now let's start a study of this letter of St. Paul to Galatians. Chapter 2, and I want to read once again, verse 8, the first point. For he who worked through Peter for his apostolic ministry to the circumcised, worked also through me for mine to the Gentiles. Now here Paul says, Paulus यहाँ कहता है, कहते हैं, क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए प्रेरिताय का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। अब ये कौन है? Who is this person? Definitely this is the spirit of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा जिसने पौलुस का पतरस का इस्तेमाल करा उन लोगों के बीच में जो खतना वाले थे, यानी यहूदियों के अंदर। और पहली बार पतरस को बुलाया गया कर्नेलियुस के घर में, जो एक अन्य जातीय लोगों में से था। और उसके पहले कि पौलुस पतरस वहाँ जाता, उसके सामने एक बड़ा एक लिखा पात्र आया चारों तरफ से झूला हुआ एक कपड़ा। और जब उसके सामने और वो दर्शन देख रहा था, जब भूखा था, बेसुध हो गया, और वहाँ लिखा था कि वह चूँकि भूखा था तो उस पात्र में, उस कपड़े के अंदर जो स्वर्ग से नीचे आया था दर्शन में, उसमें दुनिया के हर प्रकार के चौपाय और प्राणी थे। और पतरस को आवाज़ आई कि हे पतरस, उठ, मार और खा। पतरस ने कहा, प्रभु, मैंने कभी ऐसा नहीं करा है। और तीन बार ये उसके सामने आवाज़ आई, या लिखा है कि वो चादर ऊपर उठा ली गई। और लेकिन इसके बाद जब पतरस कर्नेलियुस के घर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़े जमात को देखता है, और जहाँ अन्य जाति लोग भी थे। लिखा है जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अब यहाँ पर हम पाते हैं पौलुस को, कि पौलुस को प्रभु ने आज्ञा दी कि तू अन्य जातियों में जा और वहाँ सुसमाचार का प्रचार कर। अब पहले मिशनरी यात्रा के बाद जब पौलुस और बरनबास यरूशलेम में गए तो यरूशलेम में एक बहुत बड़ी महासभा हुई, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम में हम पाते हैं और उसके बारे में आपको बताया गया। और उस महासभा में जो मुख्य विषय था कि बहुत बड़ी दबाव हम कलीसिया के अंदर देखते हैं, प्रेशर देखते हैं। और प्रेशर क्या था कि जो लोग अन्य जातियों में से मसीह बन रहे हैं, मेल पुरुष का, मेल व्यक्ति का खतना होना चाहिए, पुरुषों का खतना होना चाहिए। और ये बार बार उभर उभर के आ रहा था और बहुत बड़ा विषय था उस जमाने में जब ये वचन का प्रचार अब शुरू हुआ था। मिशनरी कार्य के द्वारा अन्य जाति लोग सुन रहे थे, विश्वास भी कर रहे थे। और कई दिन तक, मैं सोचता कई हफ्ते तक वाद विवाद होता रहा। लिखा है बहुत विवाद वाद विवाद के बाद याकूब जो चेयरमैन था, दो वहाँ का अध्यक्ष था, वहाँ प्रेरित भी होंगे, वहाँ बरनबास भी थे और पौलुस भी थे, सबके सामने निर्णय लिया गया कि चार बातें हैं जिस पर हम लोगों को हिदायत देंगे कि वो इन कामों को ना करें। पहली बात, सब लोग मूर्ति पूजा से अलग रहे। दूसरी बात, जो गला घोटे हैं, जिनका गला घोटा गया जानवरों का, उनके मांस को ना खाएं। तीसरी बात, लहू से परहेज करें, उसको ना खाएं, उसका सेवन ना करें। और चौथी बात बताई गई कि वो व्यभिचार से अलग रहें। और लिखा गया है, वो पत्र लिखा गया, और मैं सोचता हूँ कि वो पत्र की प्रतियाँ बहुत सी जगह दी गई। उनमें से एक प्रति पौलुस के पास भी दी गई और एक बरनबास को भी दिया गया, क्योंकि ये मुख्य अगुवे थे, प्रभु ने उनको चुना था। और प्रेरितों ने अपने पास रखे होंगे, क्योंकि वो जानते थे कि हमें दिनों में आगे बहुत जगह जाना है। और जहाँ भी वो गए इसके बाद, उन्होंने लोगों से बातचीत करी, और जहाँ भी यहूदी अगुओं ने इस बात के लिए कहा कि भाई आप लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी है, खतना जरूरी है, तब उन्होंने ये दिखाया कि देखो ये संतों ने यरूशलेम के निर्णय लिया है। और इस प्रकार से कलीसिया के अंदर बहुत बड़ा विवाद जो था वो कई सालों के अंदर उसका समापन हो गया और सुसमाचार का प्रचार होने लगा। मित्रों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं सीखता हूँ ये है कि कलीसिया के अंदर, प्रभु के देह के अंदर कभी अगर कोई विवाद उठता है
तो उसके लिए बातचीत के जरिए उसको सुलझाने की आवश्यकता है और प्रार्थना के जरिए प्रभु हमारे अगुवाई करता है, क्योंकि अगर हम उन बातों को ना सुलझाएं तो वो छोटी छोटी बातें बढ़ती जाएंगी और बहुत विकराल रूप लेगी। और जो सेवकाई के लिए समय प्रभु ने हमें दिया है, जो रिसोर्सेज दिए हैं, उनका सदुपयोग नहीं होगा और वो बर्बाद हो जाएगा और लोगों के अंदर एक गलत भावना आ जाएगी, भाई ये लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए जो भी मुद्दे होते हैं उनको सुलझाना हमारा फर्ज है। सबसे बड़ी बात आत्मिक मुद्दे, आत्मिक बात है, और यहाँ पर आत्मिक बात थी। हालांकि फिजिकल कार्य था कि भाई खतना करा जाए, लेकिन उसका मतलब था आत्मिक। और पौलुस ने आगे चल के कहा है कि हमारा जो खतना है हमारे मन का होना चाहिए। इस यरूशलेम काउंसिल के बाद उसने ये बोलना शुरू करा, लोगों ने जाना कि ये सचमुच में ही है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बात है ये सारी जो खतना की बातें हैं ये व्यवस्था का अधीन है और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। मत्ती उसके 5:17 में उसने कहा कि ये न समझो कि मैं व्यवस्था का लोप करना आया। द लॉर्ड सेड Matthew 5:17 दैट डोंट थिंक दैट आई हैव कम टू एबोलिश द लॉ बट आई हैव कम टू फुलफिल द लॉ। जीसस फुलफिल द लॉ एंड इन विच the law of circumcision also was there, because he was circumcised on 8th day of his life in this world, but moreover he remained obedient to his father, and by obedience, through obedience he fulfilled the law of the Lord, and then he summarized the law of the Lord, the 10 commandments he summarized, and what was the summary? Listen, O Israel, your God is one God. You love Him with your whole heart, whole mind, and of your whole strength. First commandment. Symbolizing the four commandments, the four starting commandments of 10 commandments. And then He gave the second commandment, or very small one, but a vital commandment. Love your neighbor as your own. Symbolizing 5th to 10 commandments. And when you and I follow Jesus Christ, we fulfill that commandment, these two commandments, to follow Christ and follow Christ day by day. तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं 8 में, क्योंकि जिसने पत्रस से खतना के वो में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। What is important? Important thing in mission is that I and you who are in the task, fulfill the will of the Lord. And therefore we read several times in the book of Acts that where they wanted to go to Musia, the Spirit of Jesus said not go. And then they were led to Macedonia, and where at once 3 group of people came. One of the slave girl, then Lydia, and then the jailer of the prison in Philippi. And thus the church started in that city of Philippi in Europe. God even works today the same way, but the need is that I need to obey Him, obey His command. Sometimes it looks quite difficult, but when I and you follow Christ, it is not difficult. The second thing we read here, verse 9 of chapter 2 of Galatians. और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बर्नबास को संगति का दानहाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना हुए के पास। नाउ यू नो व्हाट हैड हैपेंड। सेंट पॉल, हुज नेम वाज शॉल, वाज किलिंग, ओपोजिंग द बिलीवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस disciples were apprehensive of him. आप इस बात को जानते कि शुरुआत में ये शाउल, जो बाद में पौलुस बना, ये कलीसिया को सताता था। और अगर आप देखें फिर तो काम के अंदर 8 और 9 के अंदर, तो वहाँ इस बात को देख सकते हैं किस प्रकार से स्तिफनुस को मारा गया पत्थर से, और लिखा है कि जो मारने वाले पत्थर फेंकने वाले थे वो अपने वस्त्रों को, अपने अंगरख को शाउल के पास रख करके ऐसा काम। और लिखा कि बाद में आप पढ़ेंगे वहाँ पर कि शाउल उसके, यानी स्तिफनुस के वध से सहमत था।
तो पहले समय के अंदर पहले पहले शाऊल इसका विरोध करता था और वो जानता था कि ये सोचता था, जानता नहीं सोचता था, सत्य बात नहीं थी वो उसकी सोच थी, दैट वॉज हिज थिंकिंग, दैट वॉज हिज ब्रेन चाइल्ड, दैट जीसस द वे ऑफ जीसस इज ए नॉट द वे, हिंदी में कहा गया कुपंथ, इज ए हेरिटिकल टीचिंग. सो ही थॉट इट्स ए हेरिटिकल टीचिंग एंड लेट अस ओपोज इट एंड इफ इट इज पॉसिबल लेट अस फिनिश इट कंप्लीटली फ्रॉम वाइप इट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड. एंड ही वॉज सो सीरियस अबाउट दैट, वो इसके लिए बहुत सब कुछ करना चाहता था और इसके लिए वो महायाजकों से, याजकों से, अधिकारियों से जो यरूशलेम में थे उनसे आज्ञा लेकर के दमिश्क को जा रहा था. उसके साथ एक जत्था जा रहा था कि वहाँ के जितने विश्वासी उनको पकड़ें और उनको वहाँ पर सजा दिलाए, उनको यरूशलेम लाए और यहाँ सजा दिला के उनको मारवा डाले, ये उसका काम था. लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म, आश्चर्यकर्म जानते हैं कि वो किस प्रकार से जब वो मार्ग में जा रहा था दोपहर के समय प्रभु उससे मिला और उस वो बदल गया. इसलिए वो कहता है जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, जब उन्होंने जाना, ये विश्वासियों ने जाना, जो प्रेरित थे उन्होंने जाना यरूशलेम में कि भाई हम इससे किनारा क्यों कर रहे हैं, ये वही शाऊल है जो कुछ समय पहले कलीसा को सताता था, लेकिन अब ये बता रहा, बर्नबास बता रहा है, एंड बर्नबास वन ऑफ द इनिशिएटर हु ब्रॉट शाऊल, इंट्रोड्यूस हिम एज ए बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट टू द डिसाइपल्स. अच्छा, बर्नबास उनको ले आए वहाँ पर यरूशलेम में, तो बर्नबास जो बर्नबास को जानते थे कि बर्नबास जो साइप्रस का, तो उसने अपनी भूमि बेची थी और उसका पैसा उसने प्रभु के काम में दे दिया था, पेड़ तो चरणों में रख दिया था, हम इसके बारे में पढ़ते हैं. और बाद में जब बर्नबास शाऊल को ले आता, कहता है भाइयों ये वही शाऊल है जिसने कलीसिया को सताया था, आपके खिलाफ बहुत बातें इसने करी, लेकिन अब ये बदल गया है, प्रभु ने इसको अनुग्रह प्रदान करा. अब पौलुस यहाँ पर कहता कि जब उन्होंने इस अनुग्रह को जाना, एंड व्हेन जेम्स एंड कैफास एंड जॉन हु सीम टू बी पिलर्स परसीव द ग्रेस दैट वॉज गिवन टू मी, उन्हें अनुग्रह को जाना. अब तक वो सोचते थे कि अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, कईयों को दिया, लेकिन अब ये सोचते नहीं थे कि भाई शाऊल बदल जाएगा. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ शुड बी मेनी थिंग वी डोंट नो, वी परसीव रॉन्गली समटाइम, एंड वी वॉन्ट टू कीप सर्टन रॉन्ग थिंग अबाउट सर्टन पीपल इन आवर माइंड, एंड इट बिकम प्रीडोमिनेंट थिंग इन आवर माइंड, and then we don't think about positive thing. But our God is beyond all everything. He is above. He can change even a person who was dying on the cross. And he said, Lord, remember me when you are in heaven or paradise. And Jesus said, today you will be with me. This type of thinking is beyond the thinking of human life. We human being only we think about the thing that we can see, but God thinks everything together. And then he changed his life, and that revelation was given to the disciples when Barnabas shared about his life with them, and they accepted him. And then it is read, then they gave the right hand of fellowship to Barnabas and to me. They had already accepted Barnabas, but now they accepted शॉल और पॉल थ्रू बर्नबास. और बर्नबास और शॉल को जो लिया गया कलीसिया के अंदर प्रेरितों की संगति में, इसका वर्णन यहाँ पर पौलुस खुद कहता है कि पहले तो इस बात को नहीं समझते थे पर अब समझ गए. मित्रों, आज भी बहुत से लोग अन्य जाति प्रभु के पास आते हैं, पर कई बार हम कहते हैं कि भाई वो अन्य जाति से है, वो नॉन क्रिश्चियन. जी नहीं, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिफोर गॉड एज वी आर इम्पॉर्टेंट. It doesn't matter that our forefathers came to Christ 100 years ago and they have just come 10 years ago. We need to accept them as our brothers sisters in the Lord. And agar kalisya mein aisa hota hai to bahut si jo samasya hamare kalisya mein samapt ho jayegi. Let us try to accept these people who are newly converted people and accept them and take them into the fellowship of the Lord, not our fellowship, but fellowship of the Lord as we are in the fellowship.
appreciate them, teach them certain things that we know they don't know. I very well remember when, you know, when I was the mission board director of Delhi Regional Conference, and I was 6 years mission board director. There are many people who came to Christ, they did not know anything about Methodist Church. Even now also, after 20 years, they are learning. They have not totally understood the discipline of Methodist Church in India. Because most of these people, some of these people in the villages are illiterate. Now they are being educated. And it took them for years to understand. Now they are trying to understand. I think now by this time they have understood 50%. It will take another 15 to 20 years for them to understand what is the pattern of Methodist Church in India. Similarly with other churches also who have their missionaries like Marthoma Church, CSI Church, CNI Church and other churches. They have their missionaries working in the unreached places through IEM, through FMBB and through Youth with the Mission and through other organization. And many people come to Christ, they are raw people, but gradually now they are understanding, and in the span of 20, 25, 30 years they will understand some of the doctrines, some of the practices of that particular church has, and they will become like us and they will grow with us. But before it happens, we need to really accept them and help them to be in the body of Christ and teach them everything that we are taught in the early days. तो यहाँ पर ऐसे हुआ कि जब पौलुस ने विश्वास करा तो लोगों ने विश्वास नहीं करा उसके बारे में. लोग सोचते थे कि ऐसा हो नहीं सकता, खासकर प्रेरित लोग. और तब बरनबास यरूशलेम में उनके पास उसको ले आए और उनको कहा कि भाइयों, ये वही शाऊल है जो कुछ समय पहले, सालों पहले हमारे समान लोगों को सताता था, लेकिन अब प्रभु ने उसको पकड़ा है, वो बदल गया है और वो जो प्रचार कर रहा है, वो कहता है इसमें सच्चाई है. और उसने कहा होगा कि मैं खड़ा हूँ ऐसे गारंटी कि ये व्यक्ति बदल गया. और तब जाके चेलों ने उसको स्वीकार करा और उसको संगति का दाहिना हाथ दिया कि भाई शाऊल, आप आइए और हम एक साथ काम करेंगे, प्रभु का प्रचार करेंगे. यह पौलुस कहते हैं, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया, प्रेरितों ने दिया, और हम अन्य जातियों के पास जाएं. और अब किस लिए? ताकि हम इस काम को अन्य जातियों में करें, क्योंकि प्रभु ने इसको बुलाया था, आज्ञा दी थी कि तुझे अन्य जातियों में जाना और दुख दुख उठाएगा. और तब जब प्रेरित ने इस बात को समझा तो उन्होंने उनको स्वीकार करा और उन्हें भेजा गया कि अन्य जातियों के पास जाए. और वे यानी पतरस, याकूब और बाकी शिष्य जो हैं वो खतना के वो के पास जाएं, खतना के यानी यहूदियों के पास, इस प्रकार से सेवा कर सके. अब तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, 10 पद में लिखा है, केवल ये कहा कि हम कंगाल की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था. ओनली दे आस्ट अस टू रिमेंबर द पुअर, द वेरी थिंग आई वॉज ईगर टू डू. और जब इन्होंने उनको स्वीकार करा, यरूशलेम की कलीसिया ने प्रेरितों ने स्वीकार करा, तो उन्होंने कहा होगा कि भाइयों, आप लोग बाहर जाएंगे, दूसरी मिशनरी यात्रा में जाएंगे, जो दूसरी मिशनरी यात्रा करेंगे. हम चाहते कि आप जो हमारे भाइयों में जो कंगाल लोग हैं, जो गरीब हैं, आप उनकी सुधि लें. और पौलुस ने ऐसा करा. वो जब दूसरी मिशनरी यात्रा के बाद आया, यरूशलेम गया, और तीसरे के बाद भी, तो वो धन जो उसने इकट्ठा करा था अन्य अन्य जगह में, उसने उन संतों को दिया जो यरूशलेम में रहते थे, क्योंकि इन्होंने उनको सिखाया था. और केवल यही नहीं, लेकिन वहाँ पर भी अन्य स्थानों में पौलुस कहता कि मैंने अपने हाथों से परिश्रम करा. और अक्विला प्रिस्किला के साथ पौलुस भी मिल करके तंबू सीने का काम करते थे, और जो धन वो कमाते थे उनसे अपनी आवश्यकता पूर्ति होने के लिए, और जो विश्वासी लोग थे और कुछ बचा के उसने रखा था और बाकी लोगों ने दिया था, वो जब यरूशलेम आया मिस्र यात्रा के बाद, तो वहाँ के संतों के लिए लाए. और ये शिक्षा किसने उनको दी थी? प्रेरितों ने दी थी कि जो हमारे समाज में लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी मदद करना हमारा आज भी हम ये करते हैं, आज भी हम ये करते हैं. हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पेंडेमिक के वजह से पिछले 4 महीनों में कुछों के तो जॉब चली गई हैं, नौकरियां चली गई, और कुछ लोगों की सैलरी आधी हो गई है,
और हम इस बात को जानते हैं। और कई लोग आते हैं, मैं पुअर फ्रेंड से उनकी सहायता करता हूँ, रसीद वो रसीद साइन करके लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत। इसके पहले हमारे कुछ भाइयों ने इनकी मदद करी, करीब 125 लोगों को राशन के पैकेट बांटे गए, करीब करीब 125-130, और भोजन भी बना के दिया गया। कई बार ये शनिवार को जाते थे। ये कौन से कार्य हैं मित्रों? ये वो कार्य है जिसके लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, हमें उनकी मदद करनी है। और यही तो लिखा है, यही तो लिखा है याकूब उसके पहले अध्याय के 27 पद में क्या लिखा है कि जो हमारी सच्ची भक्ति, उसका मतलब ये है कि हम अनाथों और विधवाओं और जो आवश्यकता में है उनकी आवश्यकता में उनकी मदद करें और अपने आप को सांसारिक बुराई से बचा कर रखें। कभी कभी हम पहला काम तो अच्छे से करते, दूसरा काम नहीं कर पाते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। प्रभु कहता है कि हम इसको भी करें ताकि हम शुद्ध रहें, पवित्र रहें, तभी तो हमारा जीवन उसके सामने योग्य ठहरेगा, हमारी भक्ति उसको ग्रहण योग्य होगी। मित्रों, हमें इन बातों को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। 11 पद में वो कहते हैं, जब कैफा अंतकियाह में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी ठहर चुका था। अब कारण यहाँ पर किस बात का? इसलिए कि याकूब को और जो कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाया करता था। यहाँ पर वही बात आ गई, ये लोग जो आए निश्चित रूप से उसके पहले पतरस भी उनके साथ भोजन करता था और शायद उसको पौलुस ने देखा होगा। तो पौलुस ने यहाँ पर उसका सामना किस बात में करा, इसको यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए कि याकूब को की ओर से और कुछ लोगों के आने से पहले पतरस अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। पतरस के जीवन में बात पाई गई और कई और शिष्य होंगे जिनको पौलुस ने समझाया, यानी लिखा सामना करा। बट व्हेन केफा केम टू एंटियोक आई अपोज हिम टू हिज फेस बिकॉज ही स्टूड कंडेम्ड। एंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ कंडेमनेशन? For before certain man came from James, he was eating while with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. तो ये एक छोटी सी बात थी और जिसके लिए पौलुस ने, जो सीनियर व्यक्ति थे, सबसे बड़े शिष्य पतरस को कहा कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और पतरस ने उसको विरोध नहीं करा। जब सच्चाई के लिए वो लोग उनसे बात करते हैं जो सीनियर भी हैं, अगर हम सब प्रभु में बने रहने वाले लोग हैं तो हमें उनकी बात को सुनने की आवश्यकता है। अगर उसमें सच्चाई हो, कभी कभी गलत बोला जाता है, गलत आरोप लगाए जाते हैं, वो सब बेकार की बातें हैं, लेकिन अगर सच्चाई इसमें है तो जो सीनियर लोग हैं हमें सुनने की आवश्यकता। बोलने का भी तरीका, यहाँ पौलुस ने उसके साथ झगड़ा नहीं करा, उसके खिलाफ कुछ लिखा नहीं कहीं पर कि भाई गलत कर रहा है, जी नहीं, कहा महाशय, बड़े भाई पतरस, ये बातें ठीक नहीं है। क्योंकि प्रभु ने अब कोई वो यहाँ पर भेदभाव नहीं करता, उसके सामने दोनों बराबर। और इसके लिए आप लोगों ने निर्णय लिया था यरूशलेम के काउंसिल में, तो हम वही बात कर रहे हैं कि हमें इनसे घृणा नहीं करना चाहिए। इनके साथ हम बैठकर भोजन अगर हम करते हैं, पहले कर रहा था, अभी क्यों किनारा कर रहे हैं? ऐसा नहीं करने की आवश्यकता। और ये मसला यहाँ पर मैं सोचता हूँ बरनबास ने और पौलुस ने सुलझा दिया और आगे ऐसी समस्या कलीसिया के अंदर नहीं आई। अब यहाँ लिखा 13 पद में, उसके साथ से यहूदियों ने भी कपट किया क्योंकि वो देख रहे थे, उनको अगुओं को देख रहे थे कि पतरस ऐसे कर रहे हैं, दो चार शिष्य ऐसे कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा करें। दे फॉलोड दिस डिसाइपल्स हु वर एल्डर्स हु वर सीनियर डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट पर, बरनबास थोड़े समय के लिए भी उनके बातों में आ गए कि भाई ये सही कह रहे हैं। पौलुस के लिए बहुत कठिन था, अकेला पड़ गया, लेकिन उसने इन बात को लेकर स्टैंड लिया कि नहीं, ये गलत है तो गलत है। पर जब मैंने देखा कि सुषमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने उन सब के सामने पौलुस से कहा
जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने के लिए क्यों कहता है? कुछ हद तक पतरस भी लोगों को ये कहता था, हाँ ऐसा करना जरूरी है, करना जरूरी है। ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं बन गया, क्योंकि यरूशलेम काउंसिल इसलिए तो रखी गई ताकि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए एक और हमेशा के लिए। तो पतरस और बाकी दो चार चेले और यहाँ पर लेकर बरनबास भी उनके समान करने लगा था, लेकिन जब पौलुस जो एक फरीसी था, जब इसने देखा तो उसने कहा कि भाइयों और खासकर सम्मानीय प्रभु के दास, प्रभु के बुलाए हुए चुने हुए प्रेरित पतरस महोदय, इस बात को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता कि हमें ऐसा नहीं करना। और पतरस ने इन बातों को माना, पतरस ने कहीं विरोध नहीं करा, यहाँ पर कहीं विरोध नहीं करा, और यही कलीसिया की मुख्य बात है। जब छोटी छोटी गलतियों को हमारे सामने लाया जाता है और उसमें सच्चाई है, अगर सच्चाई नहीं है तो अलग बात है, सच्चाई है तो उनको मानने की और उनको छोड़ने की आवश्यकता। कलीसिया की का ग्रोथ तभी संभव है जब हम आपस में अपने परेशानियों को सुलझाएं और सुलझाने की आत्मा इच्छा रखें कि भाई अगर ये बातें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई ग्राउंड नहीं होता। कुछ बोलना चाहते बोला, भाई ऐसा बोलो, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होता। अब देखिए, अगर बोल रहे हैं तो उसके पीछे कारण है, उसको प्रूव कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो ना बोलें। लेकिन यहाँ पर पौलुस के सामने कारण था, उसने ये बोला हो कि आप लोगों ने तो ऐसा करा, अब आप ऐसा करते हैं, और इसलिए सावधानी की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? इसलिए इस बात पर पौलुस ने अंडरलाइन करा और वो सुलझ गया उस समय, और आज तक सुलझा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के पौलुस ने अगुवाई करी थी, पौलुस ने समझाया था, और ये प्रभु के आत्मा के चलाए शिष्यगण ने इन बातों को समझा और स्वीकार करा कि हाँ महाशय पौलुस, इन बातों को हम मानते हैं और इनको हम ऐसा नहीं करेंगे। वही समस्या जो जिसका विकराल रूप हो सकता था सुलझ गया, क्योंकि दीनता और नम्रता पाई गई। अब हम देखते हैं पर चौथी बात को, 15 पद में, हम तो यहूदी जो यहूदी हैं, हम तो जन्म से यहूदी हैं और अन्य जाति पापी पापी अन्य जातियों में से नहीं, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरता। अब यहाँ पर हम कुछ पदों को देखेंगे अन्यत्र जहाँ पर इसका वर्णन किया गया है, और मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ें, व्यवस्था के बारे में जो हमने पहले भी देखा था आज भी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये साफ होना चाहिए हमारे सामने। रोमियो की पत्री, द लेटर ऑफ सेंट पॉल टू रोमन्स, चैप्टर 8 वर्सेस 1-3, आई वांट टू रीड हियर। देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट हु वॉक नॉट अकॉर्डिंग टू द फ्लैश बट अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। For the law of the Spirit of Jesus has sent you, set you free in Jesus Christ from the law of sin and death. For God has done that the law weakened by the flesh could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, He condemned sin in the flesh. हिंदी में लिखा है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया
अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। इसको हमने देखा था, पर यहाँ पर चूंकि संदर्भ आया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन जो था वो किस लिए था, ताकि हमें प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पाप और उसके दंड की आज्ञा से छुड़ाए, जिसको व्यवस्था नहीं कर सकी। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, लेकिन यीशु मसीह का बलिदान और उस पर हमारा विश्वास जो है हमें पाप से और उसके दंड से मुक्त करता है। संत पौलुस यहाँ पर यही बात करता है जिसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है और अपने जीवन के अंदर उसको आत्मसात करने की आवश्यकता। अब पौलुस ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो व्यवस्था है वो यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम पाप से और उसके दंड से छुटकारा प्राप्त करते हैं। इस बात को जानने और समझने की आवश्यकता है। पांचवी बात, हम जो मसीह यीशु में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाना बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। नाउ ही सेज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग 17 and 18, बट इफ इन आवर एंडेवर टू बी जस्टिफाइड इन क्राइस्ट वी टू वेर फाउंड टू बी सिनर्स, इज क्राइस्ट देन ए सर्वेंट ऑफ सिन? सर्टनली नॉट, फॉर इफ आई हैव आई रिबिल्ड वट आई टोर डाउन आई प्रूव माई सेल्फ टू बी अ ट्रांसग्रेशन, फॉर दो द लॉ आई डाइड टू द लॉ सो दैट आई माइट लिव टू गॉड। मैं व्यवस्था के लिए मर जाता हूँ, व्यवस्था मेरे लिए पूरी की गई है, मुझे उस व्यवस्था को अगर मानना चाहता तो सारी बातें माननी पड़ेगी जिसकी आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है मत्ती उसके 5:17 में, लिखा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। तो हम क्या विश्वास करते हैं एज ए क्रिश्चियन? व्हाट वी बिलीव इन द फुलफिल्ड टास्क ऑफ जीसस क्राइस्ट। By virtue of our belief in the fulfilled task of Jesus Christ, He died on the cross, He took my sin, He took our sins, and He became sin like us. He became sinners. He became a sinner. He took our sin. That is why Father in heaven had to turn away from his face for at least some time. And where Jesus cried, you remember, my God, why you have forgotten me, forsaken me? He was forsaken. God forsook him for some time because he was atoning our death, the death of the entire world, the death for entire world. और इसलिए जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसके उस किए हुए आश्चर्यकर्म पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। इस काम पर हम विश्वास करते हैं और उसके द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं और उद्धार को प्राप्त करते हैं। पौलुस यहाँ पर इसी बात की शिक्षा देता है, हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं यदि आप ही पाप भी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक? कदापि नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, क्या गिरा दिया मेरे पापी स्वभाव को, मेरे स्वभाव को जब मैं कॉम्प्रोमाइज करता था, मैंने क्या गिरा दिया? पाप करने की उस आदत को, उस पर जय प्राप्त करने की आवश्यकता। तभी तो लिखा कि अंश अंश करके हम उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं, यानी जो पाप का स्वभाव है हमारे जीवन से समाप्त होता जाता है। पाप की सजा हटा दी गई, पाप का बोझ हटा दिया गया, लेकिन जो हमारे आदम के स्वभाव के अंदर जो पापमयता है वो धीमे धीमे करके समाप्त होती जाती है और हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं और अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एक वक्त आएगा जब हम पूरी तरीके से उसके हो जाएंगे, ये इसका अर्थ है। तो पौलुस कहता है क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराते, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ, ताकि मेरे जीवन में वो बात पाई जाए जहाँ परमेश्वर मुझे अपने योग्य बनाता, मैं उसके सेवक सेविका के रूप में बढ़ना चाहता हूँ, मेरे जीवन से उसकी महिमा हो सके, ये परमेश्वर चाहता। मित्रों हम आज यहीं रुक जाएंगे और कल हम इसे आगे देखेंगे, यानी 20वें पद से आगे जब देखेंगे, विल सी फ्रॉम टुमारो
गैलेशियंस 20 गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 ऑनवर्ड्स। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन के लिए जिसका आज हमने अध्ययन करा, और हमारी प्रार्थना प्रभु वचन की गहराई में हम जाएं प्रभु और इन बातों को जानें ताकि इनके द्वारा आपकी महिमा हो सके। जो वचन का बीज प्रभु आज हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया प्रभु बैठ ना जाए, पर हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर प्रभु अंकुरित हो, फलवंतित हो और उसमें फल उत्पन्न हो 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। इस धन्य कलीसिया के एक एक परिवार को संभाले प्रभु जी, एपोस्टल मेथोडिस्ट कलीसिया के प्रभु, एक एक बुजुर्गों को, एक एक माँ बाप को, एक एक जवानों को, एक बच्चों को संभाले प्रभु जी, ताकि हर एक जन आप में बढ़ सकें। हमारे WCS के बहनें, हमारे संडे स्कूल के बच्चे, हमारे MY के बच्चे और यंग एडल्ट फेलोशिप के लोग प्रभु आप में बढ़ते जाएं, ताकि आपकी महिमा आपकी स्तुति हो सके। हमारे मैथिसमैन के भाई लोग आप में बढ़ते जाएं प्रभु, इस कलीसिया के सुधी ने प्रभु जी इस कलीसिया को बनाए प्रभु। लॉर्ड मेक दिस चर्च, रिवाइव दिस चर्च फॉर द एक्सटेंशन ऑफ योर किंगडम। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बाइबल स्टडी हर शाम को होती है, सोमवार से शनिवार तक। समय है 7:30 बजे। हमें तो उसके लिए प्रार्थना करते रहें, खास करके अभी अपने गवाही सुनी इस रविवार के दिन, हमारे भाई जूलियस विल्सन का, जो प्रभु ने जिनको छुआ चंगाई दी। ऐसे बहुत से और लोग हैं, अगर हमारी कलीसिया में ना तो बाहर हैं, और शायद वो बीमार हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु उनको चंगाई दें, ऐसी प्रार्थना हम करें। हम प्रार्थना करें हमारे देश के सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, MPs MLAs के लिए, हमारी पुलिस के लिए, हमारे सेना के लिए, प्रभु उनकी मदद करें ताकि उनका प्रयास हमारे इस देश की उन्नति का कारण बन सके, और जो कुछ वो करते हैं परमेश्वर की दया से हो, जिससे उसकी महिमा हो सके। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, खास करके हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड, हमारे DSS के लिए, हमारे पासवानों के लिए, हमारे लेटी के लिए, हमारे WCS के बहनों के लिए, हमारे MY के बच्चों के लिए और संडे स्कूल के बच्चों के लिए, तमाम के लिए प्रार्थना करें प्रभु हम पर अनुग्रह करें, ताकि कलीसिया इन कठिन दिनों में प्रभु में जुड़ी रहे, आगे बढ़ते जाए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अपना चर्च फंड नहीं दिया है, कई महीनों से बकाया है, या संडे ऑफरिंग जो आप जमा करते हैं हर रविवार को लिंक आराधना के बाद, रविवार को आपके घर में वो जमा है, तो मेहरबानी से उसको लाइए। कई लोग अब लाने लगे हैं, और हर वीकडेज में हमारा चर्च ऑफिस खुल रहा है। समय है 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक, तब किसी भी टाइम उसको लाइए और चर्च में उसको दे दीजिए, आपको रसीद मिल जाएगी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि चर्च का एक पैसा उसका इस्तेमाल सही होता है। अगर कोई अफवाह उड़ा रहे हैं तो उन अफवाह में मत आइए, मेहरबानी से उसको ध्यान रखिए। जो कुछ आप देते हैं वो प्रभु का पैसा है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है और बड़े ध्यान से उनका उपयोग होता है। अभी तक प्रभु ने हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति करी, आगे भी करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मेहरबानी से इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा समर्पण प्रभु के लिए है, चर्च के लिए नहीं है। तो जो भी मैंने समर्पण करा है, मैंने वाचा बांधी प्रभु को दे रहा हूँ, ये सोच हमारी होनी चाहिए कि प्रभु ये आपका धन है, चाहे मेरी टाइथ हो, चाहे चर्च फंड हो, या रविवारी आराधना के लिए, प्रभु ये आपके लिए है। जब हम प्रभु को देते हैं उसकी तरफ देखते हुए, तो प्रभु उसका 100 गुना में लौटाता है, ये बाइबल सिखाती है। तो इसलिए हम इस बात को याद रखें, हम किसी के बहकाव में ना आए, किसी के उन बातों में ना आए, और सारी बातों को इंटैक्ट रखा गया है यहाँ पर। इसलिए मैं चाहूँगा इन बातों को ध्यान रखें, और प्रभु की महिमा के लिए जो भी आप देते हैं वो आपकी मर्जी है। प्रभु ने आप अपने परिवार के साथ मिल करके प्रभु के सामने वाचा बांधा कि प्रभु हर महीने हम ये देंगे, उसको दीजिए, आप उसकी रसीद आप ले लीजिए जरूर, ताकि उसका प्रूफ हो कि आपने दिया है। तो हम ऐसा करने में जानता हूँ, और इसके लिए मैं आपको ये रिमाइंड करा रहा था, इसको आप उसी स्पिरिट में लीजिएगा। हम प्रार्थना करें हमारे उन बच्चों के लिए जो इन दिनों में घर में ऑनलाइन जिनकी क्लासेस लग रही हैं, ये कठिन कार्य है, लेकिन बच्चे पढ़ें, बड़े पढ़ें, जो जवान बच्चे हैं कि प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। इस कलीसिया पर प्रभु का आशीष हो।
मित्रों, हम आप में से हर एक लिए प्रार्थना करते हैं, इस बात को जानिएगा। एक एक परिवार के लिए, एक एक माँ बाप के लिए, एक एक बुजुर्ग और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी है। हे प्रभु, होने दे हम अपने बढ़ते चले जाएं और हमारे जीवन आपको भाए। ये धन्य कलीसिया पर प्रभु, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च पर, हमारे तीनों कांग्रेगेशन पर, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश पर आपके आशीष हो प्रभु। अगर आज कोई बीमार है प्रभु, उनको चंगाई दें। अगर आज किसी परिवार में कोई दुख है, कमी घटी है प्रभु, आप अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, फिलिप्पियों 4:19 के अनुसार प्रभु जी, हर एक की घटी और कमी को पूरी करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज के बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद है। कल के लिए हमें तैयार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की फाकत और शराकत कलीसिया के हर एक संतों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे। सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।